अभी हम तेहरान सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं और कपड़े भी चेंज हमने कर लिए हैं। तो ये पानी की बॉटल हमने अभी परचेज़ की है, बाकी सब जगह पे हमें 5,000 की मिली थी, यहाँ पे हमें 6,000 रुपये की मिली है। तो अभी हम यहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो, और मेट्रो है मैदान वली नाम का कोई मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से हमने मेट्रो लेनी है। अच्छा, हमने ना दो ट्रेन चेंज करनी है, यहाँ पे ये होता है कि जब आपने कहीं और भी जाना हो तो ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। जैसे अभी हम जा रहे हैं तो जिस हम ट्रेन में बैठेंगे वो दो स्टेशन बाद जाएगी, फिर उसके बाद हमें ट्रेन चेंज करनी है और फिर हम जाएंगे आज़ादी स्क्वायर वाली ट्रेन में। वैसे तेहरान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ग्रीन टैक्सी भी हैं, और इनकी ये भी है स्नैप भी सस्ती पड़ती है। जो हमारे होस्ट से वो कहते थे कि आप स्नैप भी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ेगी आपको, लेकिन हमने कहा कि हम मेट्रो में ज़्यादा घूमते हैं और हमें मेट्रो पसंद भी है तो उससे एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है। गर्मी भी यहाँ ज़्यादा है बाकी शहरों से। गर्मी मुझे लग रहा था यहाँ कम होगी गर्मी, लेकिन यहाँ बाकी शहरों से ज़्यादा गर्मी है। हाँ, जैसे ही हमें बैंक मिलना नज़र आता है हमें कैश विड्रॉ करने की पड़ जाती है। तो यहाँ पे ये BRT सिस्टम है, बट BRT का हमें कोई अभी तजुर्बा है नहीं, तो इंशाल्लाह कल हम BRT को भी ट्राई करेंगे। भी काफ़ी फैली हुई है हाँ शहर में, मेट्रो तो है ही है, लेकिन यहाँ पे ये है कि BRT का अलग से स्टेशन नहीं है, मतलब कि जैसे अलग से ट्रैक नहीं है, जैसे पाकिस्तान में है BRT हो गई, मेट्रो हो गई, तो उसका ना अलग से ट्रैक बनाया गया है। तो यहाँ पे बस ये अलग से छोटा सा स्टॉप है और फिर आप जा सकते हैं। तो ये है मैदान वली का बस टर्मिनल, वो मेट्रो का टर्मिनल, मेट्रो स्टेशन। तो भाई साहब, यहाँ के जो मेट्रो स्टेशन है ना वो भी किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। दो टिकट्स थैंक यू। तो ये टिकट ले लिए। हाँ, तो ये यूँ करके तो ये भी चेंज कर लिए। अब हम दूसरी ट्रेन चेंज करने जा रहे हैं एहराम सब्स की तरफ, जो हमें लेके जाएगी मैदान आज़ादी। थोड़ा सा टाइम लगा था बस, क्योंकि पहली बार जब आए थे समझने में, लेकिन अब समझ आ गई है। हाँ, और हमारे एक दोस्त ने हमें ऐप पे समझा भी दिया था, तो उससे काफ़ी इजी हो गया शहर में घूमना। यस, तो अब हम निकल रहे हैं मैदान आज़ादी की तरफ, एहराम सब्स की तरफ जाने के लिए। हम मैदान आज़ादी टर्मिनल पर आ चुके हैं, सॉरी मैदान आज़ादी स्टेशन पर आ चुके हैं, और वो रहा हमारे सामने मैदान आज़ादी टावर, और यहाँ पे उसके सामने लगी हुई है छोटी सी मार्केट। जैसे कि आपको पता है कि अच्छा इस स्टेशन में ना काफ़ी रश था, क्योंकि जैसे आपको पता है कि टूरिस्टिक जो जगह होती हैं उसमें काफ़ी रश होता है, तो इस स्टेशन में भी काफ़ी रश था और मेट्रो में भी काफ़ी रश था। तो अब हम जा रहे हैं वो सामने मैदान आज़ादी टावर है, रोड क्रॉस करके चलते हैं और वहाँ पे कुछ थोड़ी क्लिक्स वगैरह लेते हैं। और मैंने सुना था कि इसके नीचे म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम में भी जाएंगे, टिकट भी देखते हैं कितने की है। आज तक सिर्फ हमने तस्वीरों में और वीडियोस में और इसमें देखा था, लेकिन आज फाइनली हमने मैदान आज़ादी अपनी आंखों के सामने देख लिया है। ये हमारे सामने है मैदान आज़ादी, और यहाँ पर हम इन चाचा के साथ लेंगे तस्वीरें। तो थोड़ी सी तस्वीरें लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्पॉट की तरफ चलेंगे। है जो नीचे म्यूज़ियम है उसके कल्चरल और कॉम्प्लेक्स आज़ादी टावर के नीचे, तो सब पूछते हैं क्या टिकट है। ये टिकट प्राइस है आज़ादी टावर के ऊपर जाने के लिए और म्यूज़ियम के लिए, लेकिन अगर आप दोनों लेते हो तो ना 90,000। तो मैं तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि जाना ही जाना हो गया, इतना हमें कोई शौक है नहीं, लेकिन देखते हैं। बात से पूछता हूँ मैं कि वो जाएगा तो फिर मैं भी चला जाऊँगा।
अब बात जाओगे क्या? जगह तो नहीं, जगह तो अच्छी है लेकिन मूड है जाने का तो ले लेते हैं टिकट। यार तू नहीं जाएगा? देख लेते। यार तुम नहीं जाओगे तो फिर मैं भी नहीं जा रहा। फिर अब्बास भी नहीं जा रहा तो फिर मैं भी नहीं जा रहा। बताओ। नहीं चलो तो बस ठीक है, आप तस्वीरों में देख लेना, मैं तस्वीरें डाल लूँगा। और दूसरा ये कि हम अभी जा रहे हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। कहाँ जा रहे हैं अब्बास? गोलिस्तान पैलेस। तो हम जा रहे हैं गोलिस्तान पैलेस। और हम मेट्रो के बेस्ट ऑप्शन, मेट्रो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो आप मेट्रो यूज़ करना, स्नैप स्नैप के पीछे नहीं पड़ना, क्योंकि मेट्रो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमें बस का नहीं पता कि बस की क्या टिकट है, वरना हम सॉरी बस कहाँ जाएगी और कैसे उसकी टिकट्स होती हैं, तो हम वरना बस भी ट्राई करते, क्योंकि ईरान मॉल यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है। बस ट्राई कर सकते हैं उनसे पूछ के। हाँ तो हम अपने होस्ट से पूछेंगे कि ईरान मॉल की तरफ कौन सी बस जाती है। तो ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मॉल है। तो ये है तेहरान का इतवार बाज़ार, लाइक इतवार बाज़ार आप इसे कह सकते हो। कोई इस टी शर्ट का पूछा कि साढ़े छः सस्ती है मेरे ख्याल है। साढ़े छः तो पानी जितनी है 40-50 रुपये की है। 6.5 ही कहा था ना उसने। परफ्यूम की शॉप्स भी हैं। अच्छा लेडीज़ और जेंट्स ने दोनों ने लगाई हुई हैं यहाँ पे। यार जूते बड़े क्लास के हैं अब्बास। इधर तो अब्बास इस ग्रे वाले जूते का पूछ कितने का? हाउ मच फॉर दिस? साढ़े 55। यस यस। ओ 450। ओके ओरिजिनल। ओरिजिनल ओके। तो ये 4.5 लाख रुपए के जूते हैं ओरिजिनल, ये कह रहे हैं। अब हमें नहीं पता ये ओरिजिनल है नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं ओरिजिनल है। ओके तो यहाँ पे परफ्यूम वगैरह भी हैं, इधर वगैरह 3500 पाकिस्तानी। और देखते हैं कुछ। महंगाई बहुत है यार ईरान में, है पाकिस्तान जैसा ही सीन है। अच्छा तू ये कह रहा था। अच्छा सलाम। काफ़ी महंगा है ये बाज़ार, अगर पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी महंगा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी तकरीबन अगर ऐसे जूते हम देखें तो 2000-1500 में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत महंगे हैं। और जो कि 450 उसने बताया है, और पाकिस्तानी तकरीबन 3000 प्लस से ही हैं वो। 450 में तो हमने रूम लिया था। और ये है टैक्सी टर्मिनल आज़ादी स्क्वायर का, यहाँ पे सारी आपको टैक्सीज मिलेंगी। तो ये बाज़ार था। तो अब चलते हैं तेहरान की मेट्रो में। मेट्रो में हम जाएंगे गुलिस्तान पैलेस। तो हमें जाना है गुलिस्तान पैलेस, मेरा ख्याल है उस तरफ है। पता नहीं कितना दूर है, किस तरफ है। हमारे सामने है ये बाज़ार है, लाइक आप इसे कह सकते हैं शॉपिंग मॉल है। गुलिस्तान के बिल्कुल, गुलिस्तान पैलेस के बिल्कुल अपोजिट है। तो अनफॉर्चुनेटली गुलिस्तान पैलेस बंद हुआ हुआ था। तो अभी हम जा रहे हैं तेहरान के बाज़ार, और ये जो सारा है हमारे पीछे ये तेहरान का बाज़ार है। तेहरान में काफ़ी बाज़ार हैं, जिस तरह कराची में बहुत सारे बाज़ार हैं, इसी तरह ही तेहरान में। और अभी हमें कुछ भूख भी लग रही है, तो हम यहाँ पे कुछ खाएंगे, देखते हैं कुछ खाने के लिए। वैसे फलाफल यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फेमस है, तो मे भी हम फलाफल खाएं। और ये सारा सिटी सेंटर है ईरान का, तेहरान का। तो यहाँ से अभी हम कुछ खाएंगे,
और फिर उसके बाद हम कहीं जाते हैं। शोर शराबा हो रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, ज़रा देखूँ मैं भी। और देखें बस आप, तो पूरा नीचे अंडरग्राउंड तक जा रहा है, तो और यहाँ पे काफ़ी ढलान है। तो ये है तेहरान का बाजार, बस यहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं घर के लिए अगर तुम चाहो तो। तो मुझे अभी यहाँ पे बिल्कुल कराची जैसे, कराची में जिस तरह के बाज़ार होते हैं बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है। देखें आप, बहुत लोग हैं यार, बहुत रश है। अब ये शायद कोई दुकानें बंद हैं तो यहाँ रश नहीं है। बस तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है? कराची में जैसे बाज़ार होते हैं वैसे। मैंने भी यही कहा, उतना ही रश है। अच्छा ये जो चीज़ चल रही है ना, तो मेरा पैर यहाँ पे गलती से लग गया था और मैं अभी यहाँ पे गिरने से बचा। पीछे ये खुश थी, यहाँ पे गीली है तो ये पानी के गुजर के लिए बनाई गई है। ओ तो ये बहुत पुराना बाज़ार लग रहा है हमें। प्राइसें यार वही हैं जो पाकिस्तान में होती हैं, इस वजह से मैं प्राइस भी कोई वीडियो नहीं बना रहा कि क्या प्राइस है। वही है, सारी प्राइस वही है जो पाकिस्तान में होती है। नॉर्मल टी शर्ट 400-500 की मिलती है, यहाँ भी वही है। तो ये सारी होलसेल मार्केट है, शुरू में सारी रिटेल मार्केट है और ये सारी होलसेल मार्केट है। और ये यहाँ पे कार्गो ट्रक्स ऐसे होते हैं, कार्गो गाड़ियाँ हमारे यहाँ तो वो होती है ना, सारा कार्गो है। इधर से, उधर से वाटर। तो यहाँ पे सारी प्लास्टिक के जो दाने होते हैं, जिप होती है, स्टिकर्स होते हैं, जूते होते हैं, तो सबकी होलसेल मार्केट थी ये। अम्मी ने मुझे कहा था कि कंबल वगैरह ब्लैंकेट वगैरह पूछना, वहाँ पे सस्ते मिल जाएंगे। तो अम्मी सस्ते तो हैं लेकिन लेकर कैसे आए ये बहुत प्रॉब्लम है। भाई बाहर निकल गए हैं, बहुत ज़्यादा रश था अंदर और सांस घुट रहा था बिल्कुल, जैसे कराची में बोल्टन मार्केट में आ गए हम, जगह ही नहीं थी बिल्कुल। तो बस अभी कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद थक तो बहुत गए हैं तो घर की तरफ निकलते हैं। तो ये हमने फलाफल मंगवाया है और ये है 25,000 तुमन का। और अब्बास ने भी यही फलाफल मंगवाया है, पता नहीं है शायद कुछ बेसन वगैरह का बना हुआ क्या है, मैं समझ नहीं आ रही। और ये इसके साथ 200 हैं, काफ़ी अच्छा है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा ही स्ट्रीट फूड मिलता है, गुजारा आराम से कर सकते हो। और ये सारे इसके बटर हुए हैं, सॉसेज भी है, नूडल्स भी हैं, बीफ का पैटी का भी वो है। तो हमने ज़रा ये मंगवाया तो ये अच्छा लगा हमें काफ़ी। तो बस हम आज का दिन इतना ही था, तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय।